इधर हो। अरे ये रहे तुम। बाकी यार सबसे पहले मैं ये आप लोगों को दिखा दूं, ये देखें और भी अंडे हमने रख दिए हैं। तो यार हमारे व्हाइट वाले जो है उनको आप लोगों को याद होंगे दोस्तों, कल इनके नीचे अंडे थे पर इन सालों ने अंडे छोड़ दिया हमारे। और गली के सेटअप पे जो है ना हमारे पास दो चीजें आप लोगों के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार दोस्तों फिर एक दिन के नागे के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है, तो भाई कल व्लॉग में फिर से नहीं डाल सका, तो इसकी भाई बहुत बहुत माजरत। पर वजह यह है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी थी दोस्तों, मेरा बहुत करीबी दोस्त है उसकी वालदा की बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो उस वजह से हम हॉस्पिटल में रुके थे रात को। तो सुबह आए फिर रात को गए हुए थे, मतलब ये लगा लें पूरी 9-10 बजे रात के हम ऐसे रुके थे। तो फिर हम सुबह आए 9 या 10 बजे, पूरे 12 या फिर तकरीबन इतने घंटे अच्छे खासे गुजारने के बाद फिर हम घर आए। और फिर आपका भाई उठा ही रहा, नमाज पढ़ी जुम्मे की और फिर जो सोया हूँ फिर मैं उठा हूँ रात को, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे रात की नींद नहीं थी और उस दिन की भी नहीं थी, तो फिर बहुत थकान हो गई थी यार। बाकी इसी वजह से बस कल का व्लॉग नहीं बन पाया, तो कोई मसला नहीं भाई, पहले दोस्त बाद में कोई और काम व्लॉग वगैरह सब बाद में हो सकते हैं, पर जो मेन जिम्मेदारियां वो हमारी पहले बनती हैं करना, तो बस फैमिली वगैरह ये सब रख के चलना पड़ता है इंसान को, तो मेरे लिए पहले वो होते हैं, बाद में फिर इंशाल्लाह व्लॉग तो हम बना ही लेते हैं। खैर यार तो दूसरा दिन है दोस्तों और दूसरा व्लॉग है अब स्टार्टिंग के साथ हमारा। तो यार मैंने आप लोगों को कल बोला था कि जो बच्चा हमारे पास निकला है मुर्गी का वो दिखाना था, तो भाई कल वो पैरों पर खड़ा तो हो गया था अपने, पर थोड़ा सा छोटा था, पर आज वो माशाल्लाह ऐसा क्यूट सा लग रहा है, मैं दिखाऊँ तुम लोगों को, बिल्कुल इतना सा यार यकीन जानो इतना सा, चले दिखाता हूँ यार। एक तो यार इसकी रोशनी जब मैं लाता हूँ ना बंद हो जाती है मेरे टाइम पे, पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है, खुल यार। 2000 years later. खैर यार मैं देखूं बच्चा है अंदर या नहीं। आवाज आ रही है आप लोगों को छोटी सी? इधर हो। अरे ये रहे तुम, ये ले भाई दोस्तों हमारे चोचू, कितने से हो तुम, इधर आ जाओ। ये ले भाई, ये देखें छोटे से हमारे मेहमान जो आए, माशाल्लाह यार, यार कितना सा है ये देखे दोस्तों, अब दिखेगा ये, चलो ऊपर जाओ चलो। आहा ये ले भाई, मैं आप लोग और दिखा दूं, इतने से ही अभी छोटे से और माशाल्लाह से क्यूट से हैं। तो यार इसका नाम हम क्या रखें कमेंट में लाजमी बताएगा, अभी तो छोटा सा ही है, इसका नाम आप लोग कमेंट में बताए क्या रखें हम, बहुत प्यारा है यार माशाल्लाह से। अभी इसको हमने वहाँ पे दाना भी दे दिया था। और एक और चीज़ मैंने बोला था कि जब बच्चे होते हैं, बाकी यार सबसे पहले मैं ये आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें और भी अंडे हमने रख दिए हैं, तो आप लोगों ने अब बंद कर देते हैं, दुआ करनी है कि इन अंडों में से भी जल्द बच्चे निकल आए यार। खैर अब मैं बता रहा था आप लोगों के, मैंने आप लोगों को बोला था कि बच्चे की क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो भाई कुछ भी नहीं होता ऐसा खास, बच्चा हुए वो निकले उसको पहले तो 24 घंटे रखे रहने हैं ताकि वो गीलापन जो है सूख जाए, फिर वो खड़ा होता है खुद ही, 24 घंटे उसका कुछ भी नहीं करना होता, 24 घंटे बाद उसको पानी दें आप, वो भी चीनी का पानी देते हैं शीत जो बनता है, तो आप मीठा पानी ताकि इसका पेट साफ हो जाता है, तो पानी देने के बाद इसको पिलाया करें ताकि इसका वॉशरूम वगैरह पास आउट हो तो फिर पेट सारा साफ हो जाए। फिर इसको हमने तो अभी बाजरा पीस के दे दिया है तो ये खा लेगा, तो बाकी दाना भी आता है वो क्या बोलते हैं फीड भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। खैर यार आप लोगों ने इसका कमेंट में नाम सजेस्ट करना है हमारे छोटू का, ये देखें आ गए यार, ये पे नहीं आते आज तक, मेरे समझ नहीं आए कि ये पे क्यों नहीं आते, वाले चूजे जो है वो आ जाते हैं पर ये नहीं आते यार, बस इसका वेट करना है जल्दी से बड़ा हो, और इसका नाम आप लोगों ने लाजमी सजेस्ट करना है। खैर यार अब हम चलते हैं छत पे सेटअप पे, क्योंकि हमजा काफी देर से मुझे आवाज दे रहा है। चलो भाई निकलते हैं, किधर है खोल लिए? तो भाई हमजा ने सारों को खोला हुआ है माशाल्लाह से, हम लोग कितना सा यार। मैंने दिखाया वीडियो में इतना सा बिल्कुल यार, बहुत छोटा है यार वो यकीन जाने। खैर हमारी ये वाली जो मुर्गी है दोस्तों, इसका मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कहाँ से आई है, तो ये जो है यार भाई लेकर आ गए थे अरसलान भाई, तो आपने देखा कहाँ भागे जा रही हो, अरसलान भाई जो है हमारे, तो उन्होंने किसी दोस्त के पास पड़ी हुई थी, उसके पास ये एक ही रह गई थी, बाकी सब कुछ चला गया, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा था, भाई ने बोला यार उसको पता है कि तुम्हारा सेटअप बना, उसने बोला यार सेटअप पर रख लो अपने भले तुम आराम से, इस वजह से ये यहाँ आ गई। बस इतनी सी कहानी थी इस मुर्गी की, ना हम परचेज करी हमने ये ना कहीं खरीद के लाए भाई, तो ये आई है हमारे पास बस, और अब ये यहीं है वापस नहीं जाएगी, तो उसने बोला था बस क्योंकि उनके काम की नहीं थी, तो इस वजह से ये मोहतरमा हमारे पास आ गई। हमदा यार इससे अलग क्यों कर दिया तुमने?
क्यों, कुछ क्या हुआ? परवर खा रही है क्या? नहीं तो वजह तो होगी ना, वैसे अलहदा क्या है, मैं बस अलहदा कर दिया है। अरे वो तो ठीक है, अलहदा क्यों करा तो? मुर्गे में? अच्छा अच्छा अच्छा, होगी भाई को इनकी प्रॉब्लम, मेरे को इतना मालूम नहीं है मुर्गों के बारे में, तो कम रखता हूँ मैं ज़्यादातर, सीधी बात भाई, तो इसका नहीं पता मेरे को। तो यार हमारे वाइट वाले जो हैं उनको आप लोग याद होंगे दोस्तों, कल इनके नीचे अंडे थे, पर इन सालों ने अंडे छोड़ दिया हमारे। क्या है तुम्हारे को मसला है कोई? दोनों के दोनों के दोनों इतने मासूम है माशाल्लाह से, काटते भी नहीं है, पर मेरे को इन पर गुस्सा इतना आ रहा है। क्या इन्होंने अंडे क्यों छोड़ दिए यार? अच्छे खासे हो, सही बैठे रहते हैं, कितने दिन बैठने मैक्सिमम? अबे टाइम भी आती है, तुम लिख के भी तो नहीं रखते हो कुछ? भाई साहब अंडे रख देंगे, लेकिन लिख के उस पर डेट नहीं लिखेगा कि पता तो चल जाएगी किस डेट को रखे हैं, वरना डेट लिख दें उस पर क्या भाई इस डेट पे रखे हैं, अब ये ऐसे सही है। और कॉकटेल कैसे हो? प्यारे हुए हमारे कॉकटेल है ना, कैसे देख रहा है छोटा सा? उनके बच्चे भी यार जल्द आ जाए। वैसे हमारे को थोड़ा सा दोस्तों वो हो रहा था खदशा कि इनके बच्चे शायद ये लोग निकालने वाले हैं, या फिर अंडे अंडे हम तो दे दिए थे ना, अंडे तो दिए हुए थे दोस्तों, अब हमारे को वो हो रहा है कि यार इन्होंने बच्चे निकाले या नहीं। अब एक काम करते हैं, कल ना आपका भाई अंडे इनके हम तो चेक करते हैं कल, है ना, कल हम चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों ना आवाज़, क्योंकि असल में जगह घुटी हुई है ना, तो हमारे को आवाज़ भी नहीं आ रही है कोई, ना कोई ऐसी हुआ, अगर हुए भी होंगे बच्चे तो कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। कल हमें सरप्राइज़ मिलेगा, या तो अंडे ही हैं, और अंडे हैं तो ख़राब अंडे हैं मेरे हिसाब से, और अगर बच्चे हैं तो भाई खुशी की बात होगी। तो कल देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। वैसे हमने झाँका ही नहीं है कब से भाई इनके उसमें, क्योंकि ये बैठ गए थे अंडे अंडे अंडों का पता चल गया था बस, कि इन्होंने अंडे दिए, मादी जाने लग गए थे अंदर, इसके अलावा नहीं पता लगा। ये बंदे का कमेंट आया पता ही क्या, बोला रैबिट वापस लाओ। और ये किस भाई ने बेचे इनको, क्या कोई तकलीफ थी? क्यों क्यों बेचे क्यों बेचे रैबिट क्यों बेचे? देख रहे हो तुम्हें, रैबिट की डिमांड थी मेरे, तुम्हारे मुर्गों की डिमांड नहीं थी इतनी जितनी मेरे रैबिट की डिमांड थी दोस्तों। रैबिट बस क्या कर रहे हैं, जैकी जो कही है ना हमारी जैकी के बाद, फिर सारा रैबिट का वो हल्का पड़ गया यार। ये जो अटो यार, ये बांध के क्यों रखा हुआ है? क्यों? अरे कोई हवा नहीं है यार, तुम अंदर अंधेरा हो जाता है, पता नहीं क्यों बांधेगा, अजीब ना खुलने देते हैं, देखो चीखता रहेगा बाउलों की तरह। हाँ हाँ नहीं खुला भाई, मेरे समझ से बाहर है। वैसे दोस्तों मेरे को ना उलझन करता ही है, कल से मैं खुद ही खोल दिया करूँगा पहले, ताकि बांधे ही, ये सही है। बाकी यार छत पे हमारे खाली लगी पड़ी है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी तक दोस्तों, बिल्कुल खाली लगा पड़ा ही है। छत भी दिखा दूँ, अभी तक फुल खाली है। इंशाल्लाह जल्द यार, मैंने बहुत कुछ सोचा था, मेरा सारा प्रोग्राम बोलते ना बढ़ गया, सारा प्रोग्राम बढ़ गया मेरा, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बोलते ना लोगों को, बढ़ नहीं देख नहीं सकते किसी को आगे। चलो भाई, तो दोस्तों हम अपने गली के सेटअप पर आ गए, और गली के सेटअप पे जो है ना हमारे पास दो चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, तो ऐसे दिखा देता हूँ, पर अभी नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा मैं तुम लोगों के यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। तो बहुत यूनिक चीज़ है, यूनिक क्या मुर्गा मुर्गी में ही है, तो दो चीज़ें हैं, दोनों भाई की हैं, कल दिखाऊंगा क्या चीज़ है और कौन सी नस्ल है, और बड़ी प्यारी चीज़ है। तो इंशाल्लाह इसलिए मैं इधर आया था, मैं यार देख भी लूँ, तो इनको मैं अभी ले जा रहा हूँ छत पर दाना देने, खाना पीना डालना है हमजा के साथ, उनके साथ ही डालूंगा सारों को, उनको तो सबको खैर कर दिया है, तो इनको भी करना होता है यार, तो नीचे नहीं करते क्योंकि नीचे बहुत फैलावा हो जाता है। खैर इन दोनों को मैं ले जा रहा हूँ छत पे दोस्तों, और बाकी आज के ब्लॉग को यहाँ पे ही एंड करता हूँ। तो तुम लोगों को उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग पसंद आएगा, तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। तो यार जहाँ ना कोई ना कोई चीज़ लटकी हुई दिखती है घर के अंदर ना, आप कभी सुकून से नहीं रह सकते हो, देखिए वहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे कपड़े हैं, क्या करे बंदा।